तो नमस्कार, सत श्री अकाल सारे नु। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और बारिश का खूब मज़ा ले रहे होंगे। तो पिछले कई दिनों से हो रही है लगातार बारिश, जिसकी वजह से हो गई है बहुत ज़्यादा ठंड। मार्च के महीने में भी जनवरी के महीने जैसी सर्दी का एहसास हो रहा है। फाइनली आज हो चुका है मौसम थोड़ा साफ। अकॉर्डिंग टू गूगल बाबा आज और कल मौसम रहने वाला है साफ। तो हमने भी सोचा क्यों ना साफ मौसम का फायदा उठा दिया जाए और स्प्रे कर दी जाए। तो आज हम करने वाले हैं HMO की स्प्रे, यानी कि हॉर्टिकल्चरल मिनरल ऑयल की स्प्रे। वैसे मौसम पूरी तरह से साफ नहीं है, बादल छाए हैं, बादल गरज भी रहे हैं और बीच बीच में धूप भी लग रही है। पर अगर गूगल बाबा ने कहा है कि मौसम नहीं लगेगा, बारिश नहीं होगी, तो थोड़ा सा ट्रस्ट हो रहा है गूगल पर यार, कि हमें को थोड़ा रिस्क लेना चाहिए और स्प्रे कर देनी चाहिए। बाकी देखते फिर शाम तक क्या होता है। तो बिना किसी देरी के फिर करते हैं शुरू प्रोग्राम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम HMO को मिक्स करेंगे ड्रम में। और हमारे पास कौन सा HMO है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो हम कर रहे हैं मैक कंपनी का HMO यूज़, और ये हमारे एक ड्रम में पड़ेगा 3.5 लीटर। हमारा ड्रम है 200 लीटर का, तो ये पड़ेगा 3.5 लीटर। लोग इसे अलग अलग रेशो में डाल रहे, कोई 3 लीटर आ रहा है तो कोई 4 लीटर, हम डाल रहे हैं 3.5 लीटर। तो हमारा पूरा सिस्टम तैयार है, पावर सप्लायर और हमारा एक ड्रम बुट चुका है और दो हमारे भर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले HMO को अब मिक्स कर देते हैं। तो हमारा HMO मिक्स हो चुका है और हम स्टार्ट करते हैं स्प्रे। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना पावर स्प्रेयर। बस ये आज कोई नखरे ना करे। लोग HMO को TSO ही कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। TSO होता है ट्री स्प्रे ऑयल और HMO होता है हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल। तुम TSO को क्रूड ऑयल कह सकते हैं, और ऐसे इसके अपने फायदे हैं। सेब के अगर इसमें करते तो फायदे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये सेबों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए जो सेब के एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि हमें अपने सेब के पेड़ों में TSO नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ जो हमारा HMO ऑयल है उसे हम कह सकते हैं रिफाइंड ऑयल। HMO ऑयल की जो हम स्प्रे करेंगे उसका क्या फ़ायदा है? तो हमारे जो सेब के पेड़ है उसमें क्या है कि सेंट जॉस स्केल नामक एक बैक्टीरिया होता है जो सेब की त्वचा खाल में होता है और निरंतर वहाँ पर सेब का रस चूसता रहता है। और इससे क्या होता है कि सेब का पेड़ कमज़ोर हो जाता है और एक टाइम ये मर जाता है। तो HMO ऑयल से क्या होगा कि इस जो ये स्केल जो बैक्टीरिया है इसका सफाया हो जाएगा, ये इसे ख़त्म कर देगा। और जैसे माइट हो गया या रस्ट हो गई और भी कई तरह के जो बैक्टीरिया प्रॉब्लम है उनके लिए हम क्या है HMO ऑयल की स्प्रे करते हैं। तो दिन के बज चुके हैं 1:30 और बारिश हो चुकी है अब स्टार्ट। तो गूगल बाबा पे ट्रस्ट करना बहुत महंगा पड़ा और बारिश हो चुकी है अब शुरू। वैसे हमने 2 ड्रम स्प्रे कर दी थी, उसके बाद हमने तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट लिया, हमने लंच लंच किया और उसके बाद हम जब स्प्रे करने के लिए आए तो बारिश हो चुकी है अब शुरू। तो मौसम हो चुका है बहुत ज़्यादा ख़राब। चोटियों में तो लग रहा है कि हल्की हल्की बर्फ़ हो रही है, लेकिन यहाँ तो अभी बारिश हो रही है और बादलों को देख के लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। बिल्कुल काले बादल है, चारों तरफ बादल ही बादल। You say never let me go.
ये मौसम ना जाने क्या रंग दिखा रहा है। एक घंटे पहले तो बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और अभी मौसम बिल्कुल साफ। तो हमने भी सोचा टाइम को क्यों वेस्ट करना, और हमारे पास जितनी भी अब स्प्रे बची हुई है वो कर देते हैं फिर। तो हम जुट चुके हैं फिर से स्प्रे करने में। अगर मौसम खराब ना होता, बारिश नहीं होती, तो आज हम ये स्प्रे बिल्कुल कंप्लीट कर देते। सुबह हमने इस एरिया में HMO की स्प्रे की थी और देख सकते हैं कि सेब का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी बागवान इसको कर रहे हैं HMO की स्प्रे। ये जरूरी भी है क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पेड़ पौधों को कई तरह के बैक्टीरिया या फिर जो भी फंगस है उनसे बचाता है, जैसे कि स्कैब हो गया या फिर कोई और भी हम कह सकते हैं। तो वक्त रहते आप भी कीजिए HMO की स्प्रे और अपने सेब के पेड़ों को बचाइए इन खतरनाक तरह के बैक्टीरिया से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल में न्यू तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।